और यूक्रेनी घुसपैठ पर बड़ा दावा, बड़ा खुलासा। और कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ पर यह बहुत बड़ा खुलासा है, जहां एक साल से घुसपैठ का प्लान यूक्रेन बना रहा था। डोनबस में रूसी कब्जे का जवाब, कुर्स्क में हमला। और यूक्रेनी सरकार के सलाहकार की तरफ से किए जा रहे बड़े दावे के बारे में जीडी बख्शी सर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले कुर्स्क में घुसपैठ और डोनबस का जवाब, इंफॉर्मेशन कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ पर बहुत बड़े खुलासे के आधार पर कि एक साल से घुसपैठ का यह प्लान यूक्रेन बना रहा था। डोनबस फ्रंट लाइन पर रूसी बढ़त रोकने का यह प्लान, हालांकि यूक्रेनी सरकार में बड़े सलाहकार की तरफ से किया जा रहा है दावा कि 6 अगस्त को कुर्स्क में हमला कर कई रूसी बस्तियों पर कब्जा कर लिया गया और असली मकसद कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा। बख्शी सर, ये वाकई क्या एक प्लानिंग के तहत ही किया गया और यही वजह है कि रूस जिस आधार पर यह स्पेक्यूलेट कर रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट करते हुए रेडिएशंस फैलाने और यह पूरी साजिश को लेकर ही रूस इस आधार पर दावे कर रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, ये प्लानिंग काफी देर से चल रही है। जो पीस टॉक का इन्होंने बहाना स्वांग किया वो केवल डिसेप्शन ऑपरेशन था कि रूस थोड़ा सा ढीला पड़ जाए, रूस सोचे कि हाँ अब तो बातचीत होने वाली है। ये तीसरी बार कर रहे हैं। मिन्स्क टॉक का फायदा उठाकर इन्होंने यूक्रेन की फौजी तैयारी करी, फिर उन्होंने जो अप्रैल 22 का सीजफायर की पूरी टॉक्स हो गई थी जिसके तहत रूस ने अपनी फौजें कईव से हटा ली थी, वो ड्रामा बनाया कि हमने धकेल दिया, ये किया और लास्ट मिनट पे पीस टॉक को रद्द कर दिया। और फिर भी जो है रूस का उस टाइम बेवकूफ बनाया था। अब ये तीसरी बार कर रहे हैं तो जाहिर है कि बहुत आक्रोश है। और इस अटैक का एक टारगेट था कि बिल्कुल वहां कोई डिप्लॉयमेंट थी नहीं रूस की, खाली एरिया था, अमेरिकन सैटेलाइट्स ने दिखा दिया और ये लोग बड़े चार्जिंग करते हुए गए वहां पे। और पहला प्लान था कर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट, उसको जाके उस पर बमबारी करना ताकि वो रेडिएशन फैलाए। ये सही बात है, लेकिन रूस ने ये देख लिया और उन्होंने सबसे पहला जो रास्ता ब्लॉक किया है वो है नॉर्थ का, कुर्स्क की जो तरफ जा रहा है रेडिए न्यूक्लियर प्लांट की तरफ, फिर ईस्ट का रास्ता ब्लॉक किया, वेस्ट का रास्ता अभी तक वो कल तक पूरा ब्लॉक नहीं कर पाए थे, वहां पे कुछ हरकत थी यूक्रेन की, लेकिन अब खबरें आ रही कि ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने इनके एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उड़ा दिए हैं, हाईमार उड़ा दिए हैं जो इस अटैक को सपोर्ट कर रहे थे, और अब वो जो है ताबड़तोड़ हमले करेंगे अपनी एयरफोर्स से फैब जो FAB बॉम्ब्स हैं उनके साथ। तो मुझे तो कम उम्मीद है कि ज्यादा लोग बच पाएंगे इस ऑफेंसिव के अंदर, और ये तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा यूक्रेन के लिए जो ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे ईस्ट के हमले रोकने के लिए। ईस्ट से रूस ने कोई ट्रूप नहीं हटाए, पावर्स की तरफ वो लगातार बढ़ रहे हैं, कोई 7-8 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब चीन किस तरीके से बड़ी मिलिट्री मूवमेंट्स कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अब एक और ऐसे फ्रंट से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे और एक्सपर्ट से करेंगे सवाल, क्योंकि चीन वाया रूस प्लान घिर गया ताइवान। आपको बता दें चीन की सड़क पर बड़ी मिलिट्री मूवमेंट को लेकर खबर है। आपको बता दें टैंक्स के साथ आगे बढ़ते दिखे चीनी सैनिक और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ सैनिकों की मूवमेंट, तटीय इलाकों में डिप्लॉयमेंट की खबरें सामने आ रही है। ताइवान स्ट्रेट में चीनी सेना की इस मूवमेंट का आखिर मतलब क्या है और इस डिप्लॉयमेंट को लेकर भी एक्सपर्ट से करेंगे सवाल। उससे पहले खबर जानिए, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में घुसे चीन के 13 मिलिट्री प्लेन, 12 चीनी विमानों ने मध्य रेखा पार की है और ताइवानी एयर डिफेंस जोन में चीनी विमान घुस गए हैं। आपको बता दें 7 चीनी शिप ताइवान बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक पहुंचे। तो ताइवान को घेर रहे चीन के बारे में खबर यह कि 24 घंटे में 13 मिलिट्री प्लेन और 7 चीनी शिप की मूवमेंट देखी गई है और ताइवान के पश्चिम उत्तरी और दक्षिण पश्चिम डिफेंस जोन में मूवमेंट को लेकर खबर है। शुक्रवार को ही 13 मिलिट्री प्लेन और 10 शिप ताइवान स्ट्रेट में दिखे हैं। गुरुवार को 6 चीनी विमान और 11 वेसल ताइवानी बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक देखे गए हैं। हालांकि अगस्त में अब तक चीन के 300 वॉर प्लेन और 200 शिप की मूवमेंट को लेकर भी खबर है। आप तमाम एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर रहती है हमारी नजर। फुल एंड फाइनल में फिलहाल इतना ही।